सब्सक्राइब कीजिए लजीज किचन चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट कुकिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू लजीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजीली आप इसे बना सकते हो। बहुत ही माउथ मेल्टिंग होते हैं ये। तो चलिए जी, देखते हैं इसे आप आसानी से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने ना तरबूज के बीज लिए हैं, उसे मैंने धोकर, ये देखिए गर्म हमारा पैन था, मैं उसमें ना इसे रोस्ट कर रही हूँ। इसे हमें ओवर रोस्ट नहीं करना है, लाल नहीं करना है ज़्यादा, मीडियम फ्लेम है गैस की। ये देखिए एक कटोरी है ये तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड्स भी कहते हैं इसे। अब ये देखिए आधी कटोरी काजू ली है मैंने, उसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया था। अब इसमें से खुशबू आने लगी है, मतलब ये रोस्ट हो चुके हैं। अब ये देखिए गर्म कढ़ाई में ना मैं एक कटोरी भर के घी डालूँगी, 250 ग्राम सनफ्लावर घी है ये। आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए कटोरी का मैनेजमेंट आप देख लीजिए, एक कटोरी घी में हमें 2 कटोरी बेसन डालना है। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है, बाज़ार में जो बेसन मिलता है ना वही मैंने लिया है। इसे आप ज़रूर छानिएगा ताकि इसमें जो लम्स गंदगी होती है ना वो निकल जाए। अब ये देखिए फ्लेम मेरी लो मीडियम है, आप गड़बड़ ना कीजिए, फ्लेम को बढ़ाइएगा बिल्कुल भी नहीं। लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। भूनने का प्रोसीजर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन जब बनेंगे ना बहुत ही मज़े के बनेंगे, गड़बड़ ना कीजिएगा आप। और थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसे चम्मच से चलाते रहिए। हमें इसे कब तक चलाना है? जब तक इसका घी छूटने ना लगे बेसन में से। बहुत ही पतला पतला बैटर हो जाएगा, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसीलिए इसे थोड़ी थोड़ी देर पे हलाते रहिए, इसे जलने ना दीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिए। ये देखिए थोड़ी ही देर में बेसन से घी छूटने लगा, ये इस तरह से पतला बैटर हो जाएगा। उसी स्टेज पे हमें ना हमें रोस्टेड किए हुए जो नट्स थे ना हमारे, वाटरमेलन सीड्स और काजू, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये देखिए एक कटोरी शक्कर ली है मैंने और 5 इलायची। अब ना हम इसे जार में बारीक पीस लेंगे, इसे पाउडर बना लेंगे। देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब ये देखिए अभी हमारा बैटर बहुत गर्म है, निकाल के सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं मुझे बैटर कढ़ाई से। अब ये देखिए मैं इसे गर्म गर्म बैटर में शक्कर को का पाउडर जो बनाया है ना मैंने, वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा गर्म ही रहने दीजिए, ज़्यादा ठंडे में मिक्स नहीं होगा ये। अब मैं इसे हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसके मैंने लड्डू बांधना स्टार्ट कर दिए हैं। बैटर अभी इतना गर्म है कि मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ, छू सकती हूँ, मगर फिर भी ये गर्म ही है, इसे आप ठंडा ना होने दीजिए। अगर ये ठंडा हो जाएगा ना तो हमारे लड्डू बिल्कुल भी नहीं बंधेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। गर्म है बैटर अभी भी और गर्म गर्म बैटर में ही लड्डू बहुत अच्छे से बनते हैं, मगर आप ज़्यादा गर्म भी मत हाथ लगाइए वरना आपका हाथ जल सकता है। आपका हाथ जितना बर्दाश्त करे उतना ही बनाइएगा और तरीका आप देख लीजिए। तो ये देखिए जी इतने सारे लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस होते हैं। त्यौहारों के टाइम तो अक्सर ये बनाए जाते हैं, आप चाहे तो सफ़र में भी इसे बनाकर ले जा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।